गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पटाखों की आवाज़ आ रही है ना जी, क्योंकि टाइम है सुबह 8 बजे का और दिन है आज 15 नवंबर 2020। दिवाली चल रही है, नेक्स्ट डे है दिवाली का। मैं हूँ मेरी बालकनी में और आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ मेरा छोटा सा बालकनी गार्डन, जिसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स ग्रो की हैं और आपको भी शायद अच्छा लगेगा देख कर कि मैंने क्या क्या ग्रो किया है, और आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि बालकनी में भी आप अपना किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब ये जो सब्जियां मैंने लगाई हैं, हो सकता है कि इनकी अच्छी हार्वेस्टिंग हो और इन्हीं से फिर मैं अपनी किचन में भी कुछ बनाऊं, तो उससे पहले क्यों ना मैं आपको दिखा दूं कि देखिए मैंने एक एफर्ट डाली है और ये एफर्ट काफ़ी अच्छी रिजल्ट लेके आ रही है। ये मेरी लौकी की बेल देखें आप, और इसमें छोटी छोटी ये लौकियाँ आ चुकी हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी देती है देखने में। फीलिंग बहुत ही अच्छी है आपकी खुद की ग्रो की हुई वेजिटेबल्स, आप प्लीज़ ट्राई करें। देखिए मैंने बालकनी में लगा लिया है, जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ें थी उसी में मैंने स्टार्ट किया है इन वेजिटेबल्स को लगाना, क्योंकि ये एक बकेट है। ये इसलिए मैंने लगाई बिकॉज जो इस तरह की बड़ी पत्तेदार या ज़्यादा बिग साइज़ में ग्रो होने वाली वेजिटेबल्स है ना, इनको जो स्पेस है वो भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें मेरे ये लौकी लगाई थी। ऑलमोस्ट मंथ हुआ है और मेरी बेल काफ़ी अच्छी हो गई है। इसी में मैंने टमाटर लगा दिया है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ भी मैंने एक टमाटर लगा के रखा है, और यहाँ मैंने लगाया है ये देख रहे हैं आप क्या है, ये है एक बॉक्स, एक पेटी जिसको बोलते हैं, फ्रूट की पेटी। तो ये थी मेरे पास, इसमें मैंने इस तरह से शीट लगा के, पॉलिथिन की ये पैकिंग बैग है वो लगा के, और इसके अंदर मैंने लगा दी है सरसों। जी देखिए कितनी प्यारी सरसों हुई है, बहुत बड़ी तो शायद नहीं इसको मैं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ ये बॉक्स, लेकिन स्टिल जितनी भी होगी उतनी ही बड़ी मज़ेदार होगी, और आई एम श्योर कि उसको मैं यूज़ कर पाऊंगी। यहाँ देख लीजिए, ये एक मेरा बहुत बड़ा पॉट है, इसमें मैंने लगा दिया जुकिनी, और इसमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट होने ही वाली है। जब इस पर फ्रूट आएगा तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसी में मेरा नींबू है, ये बारहमासी नींबू लगा के रखा है, इसमें छोटा सा एक नींबू आपको दिख रहा होगा, देखिए। और इसमें एक बेल आ रही है, ये देखें, और ये बेल जो है ना ये कुकुम्बर की है। जब इस पर कुकुम्बर आएंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, और ये देखिए कितनी बड़ी हो रही है ये। इसको मैंने सपोर्ट दे दिया है यहाँ पे ताकि ये ग्रो होके इस रेलिंग पे आ जाए, ठीक है। तो एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको इंटरेस्टिंग, ये देखें, देख रहे हैं जी, ये मैंने एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया है और इसको इस तरह से कट करके ना मैंने इसमें हैंगिंग पॉट बनाया है, और इसमें मैंने लगाई है मेरे एक और जुकिनी का प्लांट, ये देखें बहुत अच्छे से ये भी चल पड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि ये भी फ्रूट्स देगा, जुकिनी आएगी इसमें और बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है, ठीक है। हर सुबह मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा टमाटर, और पता है ये कौन सा, ये चेरी टमाटो है, और मैंने आज वीडियो बनाई है सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इस पर मुझे आज सुबह उठते ही दिखा कि मेरा छोटू सा ये टमाटर, देखिए ये देखिए अकेला बेचारा बट ब्यूटीफुल, और ये लाल हो रहा है, मुझे बहुत खुशी मिली इसको देख के। ये देखें इस पर और टमाटर लगे हुए हैं, देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, और कुछ नहीं तो ये इतनी आपको खुशी देता है ना, ये गार्डनिंग आपको इतनी खुशी देगी। देखें मैंने कितना कुछ लगा रखा है, ये देखें पुदीना, हाथ लगाएं और एकदम फ्रेशनेस आपके पूरे सराउंडिंग में। ये मेरा बैंगन का प्लांट इतना बड़ा, और पता है आपको इसमें से मैंने 5 या 6 बैंगन जो है ऑलरेडी इसमें से काट के बना चुकी हूँ मैं, हार्वेस्ट कर चुकी हूँ मैं, और आने वाले हैं, जब आ जाएंगे तो मैं आपको पक्का दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये बैंगन आएगा,
और एक और मेरा बैंगन का प्लांट है, इसमें से भी 3 से 4 बैंगन मैंने निकाले हैं। अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और ये मैंने लगाई है गोभी, ये गोभी के प्लांट लगाए हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास है फ्रांस बीन, ये देखें फ्रांस बीन है, देख रहे हैं। अरे ये आ गया मेरा चीकू, ये भी आपको हेलो बोलने आया है। चीकू हेलो बोलेगा, हेलो बोलेगा चीकू। चीकू अभी उठ के आया है, अपनी नींद पूरी करके आया। कल ये बहुत डर गया था, बिकॉज ऑफ क्रैकर्स पटाखे चले तो मेरा चीकू बहुत डर गया, और पूरी रात इसको हमने अपनी गोदी में सुलाया, इतना डर गया था ये। ये देखें, ही इज़ जस्ट 5 मंथ्स ओल्ड, लहाजा है मेरा, बहुत प्यारा बहुत क्यूट है ये। अच्छा चलिए वापस दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये मेरे गोभी लगाई है इसमें भी मैंने, ठीक है। ये बड़ा पॉट आप इस तरह से एक ले लें और गोभी लगाएं, बहुत अच्छी हो जाएगी, देख लेना आप। ये एक और टमाटर है, देखें देख रहे हैं कितनी सब्जियां मैंने लगा ली हैं। यहाँ पे मेरा फिर से वैसा ही एक बॉक्स फ्रूट वाला पेटी, जिसको हम बोलते हैं लकड़ी की, ईजिली आपको मिल जाएगी। ये देखें इसमें भी मैंने सरसों लगा ली है, और इसके साथ और जुकिनी के, और ये कुकुम्बर है, ठीक है, ये कुकुम्बर लगाया है मैंने, ये इंग्लिश कुकुम्बर है। ये भी जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी फ्रूट्स इसके। और ये देखिए जी, ये फ्रेंड्स मेरी बेजल, पर्पल बेजल लगाई मैंने इसमें, देख रहे हैं मज़ेदार सा काम हो जाता है। अच्छा ये एक ट्रे ली मैंने, इस ट्रे में मैंने लगाई है पालक, ये देख लें पालक कितनी अच्छी से हो रही है। और ये सैलड है, लेटस है रेड वाली, लोला रोजा। ये जनाब ये मेरा एक रोज़ का प्लांट है, इसमें कल मैंने रोज़ निकाला है इसमें से। और एक ट्रे मेरी एक यहाँ पड़ी है, इसमें मैंने देखिए गार्लिक लगाया है, देख रहे गार्लिक है, गार्लिक की शाइव्स जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं तड़के में। हम नॉर्थ इंडियन पंजाबियों को तो ना सर्दी में ये चीज़ मिल जाए ना तो बस। और ये देखें मेथी, ये मेरी मेथी बहुत अच्छी हो गई है, इसको मैं एक दो दिन में काट सकूंगी, ठीक है। एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये देखें देखें क्या है, ये है पक्सुई, पक्सुई एशियन सरसों बोल लें आप इसको, एशियन पालक बोल लें आप इसको, ये लेकिन पक्सुई है, पक्सुई जो आपकी एशियन कुजीन में काम आती है, बहुत टेस्टी, बहुत मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है, स्पेशली मेरी बेटी की बहुत ही फेवरेट है। और उसको जब मैंने दिखाया तो वो बहुत मिस कर रही है कि मॉम वाओ ये आपने क्या लगाया है, मेरा फेवरेट लगा लिया आपने। तो ये बक्सुई हो जाएगी इसमें बहुत अच्छी सी। अच्छा एक मेरा प्लांट और है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें कड़ी पत्ता, अच्छे से कड़ी पत्ता ग्रो हुआ है इसमें, सारा नया जो है स्टेम्स लीव्स आई हैं, देखें। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी देखिए इस तरह से बालकनी मेरी दिखती है, आप भी प्लीज़ ट्राई करें, थोड़ी थोड़ी ट्राई करेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप अच्छे से अपने घर पे फ्रेश और एकदम बढ़िया क्वालिटी की वेजिटेबल्स लगा सकेंगे। भले ही वो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आएगी, लेकिन आएगी और आपको बहुत खुशी होगी उसको जब आप हार्वेस्ट करेंगे। इसमें भी मैंने बैंगन लगा दिया, एक और बकेट है बैंगन है, इसके साथ साथ मैंने लहसुन लगाया, देखिए लहसुन कितना अच्छा हो गया, ये तड़के के लिए लहसुन तो मेरा रेडी है। तो शायद वो टाइम आएगा जब मैं यहाँ से सब्जियाँ काटूँगी, निकालूंगी अपने किचन गार्डन से और अपनी किचन में बनाऊँगी, ठीक है। चलिए तब तक ये क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है, दिन में भी लोग शुरू हो चुके हैं, आपको थोड़ा सराउंडिंग दिखाती हूँ मैं। ये है जी, ये देखें, ये सुन रहे हैं आप कैसी आवाज़ आ रही है, ओ वो वहाँ शायद आप देख सकें धुआं निकल रहा है, लोगों ने क्रैकर्स दिन में भी चलाने स्टार्ट कर दिए, सुबह सुबह के टाइम पे क्रैकर्स चल रहे हैं। ये देखें ये मेरा सारा सराउंडिंग है जहाँ पे मैं रहती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मुझे बताइए, शायद मैं फिर किचन की कुकिंग की वीडियोस के साथ साथ आपको थोड़ा व्लॉगिंग भी करके दिखाऊं, अगर आपको अच्छा लगेगा। ये है जगह जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये हमारी देख लीजिए अपार्टमेंट्स,
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप